सिवान शहर के शहीद सराय स्थित शहीद स्मृति स्थल पर आज सुबह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सिवान के अमर शहीदों के याद में राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम के तहत वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता, अभिषेक सिंह, महात्मा भाई, धनंजय सिंह, युगल किशोर सिंह, अभिषेक साहू आदि सैकड़ों लोगों ने पुष्प अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ATN लाइव के लिए सोनम सोनी की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठाकुरगिरी बच्चन प्रसाद और नगरू साहब की स्वतंत्री पुण्यतिथि है और हम लोग प्रत्येक वर्ष जब से हम लोग सामाजिक कार्य में आए, लगभग हम लोग कार्य कर रहे हैं, यहाँ सम्मान करते हैं और एक जिला में अनोखा जगह सही ठहरा है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं जिला में जो अगस्त क्रांति हुआ था 1942 में, जिसमें 17 लोग सरकार के गजट में शामिल हैं शहीद की सूची में, कहीं उनका शिला पर चाहे आलेख नहीं है, गजट में जरूर है, लेकिन यहाँ आइएगा तो जो जो लोग शहीद हुए अगस्त क्रांति में 1942 में, सबका नाम है और उनका पता है कहाँ जन्म हुआ और कहाँ वो शहीद हुए। ये ऐतिहासिक जगह बन गई। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा कि पता नहीं स्वाभिमान कह रहे हैं कि शहीद स्मारक पे कुछ नहीं होना चाहिए, उसका हम विरोध करेंगे, केस करेंगे, ऐसा क्यों लगता है? शहीदों के नाम पे भारतीय गणराज्य में जी रहे हैं, उनको स्वतंत्रता है और जो लोग बोल रहे हैं पहले अपने किरदार में झांक ले, वो कितने झूठ बयानबाजी करते हैं मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि वो जो है प्रत्येक वर्ष ये देते हैं कि हम 7 सजा करेंगे, करता मैं हूँ, यहाँ किसी से पूछिएगा या फिर आप आते 6 बजे तो मैं 6 बजे रात 1 बजे तक आपको मैसेज किया हूँ, देखिएगा आप मोबाइल में, और 6 बजे स्नान करके मैं यहाँ फूल सजवाया और वो प्रत्येक वर्ष ये बयान दे देते अखबार में, अब अखबार वाले लोग उन पर केस करेंगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बयानबाजी नहीं होना चाहिए। शहीदों का नमन है, मैं भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो केवल शहीद का नमन करें, राजनीति न करें, वो राजनीति नहीं करें। के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह तो अच्छा बनना चाहिए? बहुत अच्छा बने, अच्छाई का कोई सीमा नहीं है, कितना अच्छा बन सकता है, ये स्वर्ग होना चाहिए, यहाँ शहादत दिया है स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारियों ने, ये तो स्वर्ग बनना चाहिए, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, पत्र पर मरने वालों का ही निशा होना चाहिए, ये तो सबका कर्तव्य है। मैं उनसे फिर अपील करूंगा आपके माध्यम से, जब अपने सवाल किया कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और कम से कम शहीदों पर राजनीति करें। अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अगस्त क्रांति के रूप में 1942 में जिन अमर शहीदों ने देश की खातिर, देश को आज़ाद कराने की खातिर हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे दी, उनके पुष्पांजलि सभा, उनके लिए पुष्पांजलि सभा का आयोजन नगर परिषद के साथी भाई देवेंद्र जी ने आयोजन किया था, जिसमें हम लोग यहाँ शरीक हुए थे। हम लोग उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने और इससे प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों ने अपनी शहादत देश की खातिर दी कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, जहां अन्याय हो वहां अपने खुद को मिटने मरने के लिए तैयार होना चाहिए, बट अन्याय नहीं होना देना चाहिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को यह तय हुआ कि करो और मरो, करो और मरो की आवाज को सुन के सिवान की यह धरती रक्त रंजित हो गई अपने कुर्बानियों से और उनके शहादत पर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी की सरकार हो, उससे हमको मतलब नहीं है, है? लेकिन इन शहीदों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए और राज्य स्तर पर मिलना चाहिए, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं और आपके माध्यम से कि हमारी आवाज को सरकार तक जरूर पहुंचाने का काम कीजिए। सिवान हमेशा लड़ने में कभी पीछे नहीं रहा है, सदैव इसका कदम आगे निकलता है, अपने शहीदों के पुष्पांजलि के कार्यक्रम से लेके अन्य कार्यक्रम तक, इसकी मैं अपने सभी साथियों से शुभकामना करता हूँ कि अगले साल हम लोग और धूमधाम से मनाएं, यही बात मैं कहूँगा। महात्मा भाई जीरा देवी के पीछे ना।